हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी के चैनल पर, जिसका नाम है बैंक एग्जाम्स क्वेस्ट। मेरा नाम साहिल और आपके साथ वापस से प्रस्तुत हूँ आपके लिए जनरल अवेयरनेस के में करंट अफेयर्स लेकर। 4 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे जनरल अवेयरनेस के एजुकेटर के तौर पर, और अब मैं आपके साथ प्रस्तुत हूँ अन अकेडमी पे ताकि आपका सहयोग कर सकूँ सक्सेसफुल बनने में, आपका थोड़ा सा 10% सहयोग कर पाऊँ। ठीक है, बस बस। और सीधी सी बात है, तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा मेहनत जो आप कर रहे हैं उसके पूर्ण श्रेय के हकदार केवल आप हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा सहयोग अगर मैं कर पाऊँ तो मैं काफी धन्य हूँ, धन्य मानता हूँ अपने आप को। ठीक है, चलिए। ऐसे मैंने इससे पहले भी टाइम और महिंद्रा जैसे इंस्टीट्यूट में, जो कि इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैंने क्लासेस करवाए हैं, वहां मैंने पढ़ाया है। अभी फिलहाल मैं अन अकेडमी के साथ हूँ। अन अकेडमी जो कि वो ऑनलाइन का सबसे बड़ा ब्रांड है और सबसे जबरदस्त ब्रांड है, जो क्योंकि आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, आपको देता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, आपको देता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और साथ ही साथ आपको देता है अनलिमिटेड एक्सेस। रीजन इज वॉट कि अन अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वो इतना जबरदस्त डिजाइन करा गया है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से मिलती रहें, और जो एजुकेटर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, ताकि आपको जो चीजें दें वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो डेली लाइव क्लासेस की बात करें तो डेली लाइव क्लासेस में आपको मिलता है आपके एजुकेटर से जो है चैट करने का मौका, डिस्कस करने का मौका, डाउट्स को शेयर करने का मौका, और क्वेरीज जो है उनको रिजॉल्व करने का मौका। साथ ही साथ बात करें तो आपको मिलता है लाइव टेस्ट और क्विजेज में अपियर होने का मौका, आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को एक्सेल करने का मौका, उनको जो है अपने लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो हैं उन सभी कोर्सेज जो को अपने लिए यूज करने का मौका। इनफैक्ट आप देखेंगे तो आपके जो भी एजुकेटर्स आपके लिए काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इस तरीके से आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं कि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम को के जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करा जाए। यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक रीजन ये है कि भाई यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है अन अकेडमी का, दैट एप्लीकेशन इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, और वहाँ पे जो चीज़ें हैं लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस वो आपको आसानी से मिल जाते हैं, चाहे वो आप लाइव देख रहे हो चाहे हमें हमारे लेक्चर्स को रिकॉर्डेड देख रहे हो। साथ ही साथ आप इसे अपने किसी भी डिवाइस पर किसी भी टाइम पर देख सकते हैं, किसी भी डिवाइस पर किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। तो ये सब कहाँ मिलता है आपको? अन अकेडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर। अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। तो बिल्कुल आपको अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए और घर बैठे तैयारी करनी है तो एक ही साधन है आपके लिए, वो है अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन। क्या है? अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन। एंड यस, यू कुड इंस्टॉल दिस अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन फ्रॉम वेयर? तो यस, फ्रॉम द प्ले स्टोर एज वेल एज द ऐप स्टोर, है ना, iOS स्टोर। तो इन दोनों से ही आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो चाहे एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, दोनों ही जगहों पर ये जो है एप्लीकेशन उपलब्ध है। इनफैक्ट विंडोज़ पे भी उपलब्ध है। अगर आप चाहे तो इसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके आपको मिलेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त चीज़ें मिलेंगी आपको। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो इसके अलावा डाउट्स क्वेरीज को क्लियर करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ आपके कोई भी जो भी वीडियोस हैं जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ जुड़ने के लिए, उनके वीडियोस का एक्सक्लूसिव लिंक्स पहले आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट प्राप्त करने के लिए, और अपने टाइम को जो है अपने टाइम के अनुसार जो है उन सब के जो वीडियोस हैं उनको आसानी से उनका लिंक्स प्राप्त हो पाए और उनको आप देख पाए, इसके लिए जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम के इस एप्लीकेशन पर। हमारे साथ बातें कीजिए वहां पर, और साथ ही साथ आपको ये सुविधा दी जा रही है कि ये बैंक एग्जाम्स क्वेश्चन चैनल है वो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जब भी आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आप ये वाला हमारा यूआरएल डाल करके हमारा चैनल जो है वो डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। इसके अलावा बात करें तो आप जो है अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लें। अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में जो चीज़ें मिलती हैं वो शायद आपको दुनिया के किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती हैं। तो अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको जो है एग्जाम के रिगार्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलती हैं। जो भी एजुकेटर्स हैं वो एक्सक्लूसिव कंटेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है,
है ना। इनफैक्ट करंट अफेयर्स देख रहे हैं आप, अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू के क्लासेस करने हैं, एमसीक्यू के क्लासेस करने हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का क्लास मिलेगा, तो आप आज ही ज्वाइन करिए अन अकेडमी के प्लस कोर्स। अन अकेडमी के प्लस कोर्स पर, यस अन अकेडमी के प्लस कोर्स पर आप मेरे साथ कर सकते हैं एमसीक्यूज, जो भी क्वेश्चन आंसर सेशंस है यहाँ पे। मैं आपको लगातार जो है पर डे क्वेश्चंस जो है आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो यस हमारे साथ जुड़िए आप अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पे आपके साथ मिलेगा आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेली अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस कोर्स पे जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पे जस्ट 1080 रुपीज़। अगर आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यस यू कुड जस्ट पे 2700 रुपीज़। अगर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यस यू कुड जस्ट पे 4320 रुपीज़। अगर आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यस यू कुड पे जस्ट 5400 रुपीज़। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो हम और आप जैसे लोग रेकमेंड करते हैं, यानी इनफैक्ट जो भी एजुकेटर्स हैं वो सारे के सारे रेकमेंड करते हैं, तो दैट इज़ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसे हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारा आपका साथ 12 महीने तक बना रहेगा, तो आप ऑब्वियसली सीख पाएंगे और हम भी समझ पाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो दूसरा रीज़न है सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न वो है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र ₹450 प्रति महीने के आधार पर आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और आपको पहले से ही 58% ऑफ मिल रहा होता है। और साथ ही साथ अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं, इसका नाम है SP साहिल, ये जो रेफरल कोड है मेरा, अगर रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो यस यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, मतलब इसके अलावा 10% इसके ऊपर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है आपको अगर आप ये अवेल कर पाते हैं। तो यस ये आपके सक्सेस में आपका एक बड़ा सहभागी बनेगा और आपके कैप में एक फिदर जरूर अटैच करवाएगा ये, है ना। तो आज ही ज्वाइन करिए अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन, अन अकेडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर प्लस कोर्स लीजिए, प्लस कोर्स लेकर के अपने जो है कैप पे एक अलग से एक नया गोल्डन फिदर जो है अटैच जरूर करवाइए, क्योंकि ये आपके सक्सेस में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मिलते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट है, वो शायद पूरे इंडिया में और किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होंगे, है ना। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी बातें सुनने के लिए, जानने के लिए। आज ही जुड़िए हमारे साथ अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है वहाँ पे। आइए देखते हैं आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स, डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स की बात करें तो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स जो है वो बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैंक एसओ, बैंक पीओ, आरबीआई ग्रेड बी एंड वेरियस अदर्स, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, या फिर बैंक आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, इन सब के मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको मिलती है यहाँ पर करंट करंट अफेयर्स से आते हैं आपके क्वेश्चंस, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता होना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट्स अगर पता नहीं होंगे तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पीछे रह जाएंगे। यानी अगर आप देखेंगे ना, आप कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं सर, जीए की देख लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए जिस चीज की तैयारी आप पूरे समय से कर रहे हैं और एक पेपर जो कि आपको सेम मार्क्स दिलवाने वाला है जितना कि आप वहां पर बैंकिंग में एसएससी, बैंकिंग एसएससी में रीजनिंग इंग्लिश और मैथ्स के लिए करने वाले हैं, तो अगर आप बात करें तो जो करंट अफेयर्स है ना इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो भी उतरे ही उतना ही वेटेज कवर करता है जितना कि बाकी और करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो 1 महीने का समय आपके मेंस और प्री के बीच में बचता है, 20 22 25 दिन का समय जो बचता है, क्या आप उस पूरे 25 दिन के अंदर में आप 6 महीने का करंट अफेयर साथ ही साथ पूरे का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस कर पाएंगे? तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपके साथ कहता हूँ हमेशा कि जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह से शाम तक, क्योंकि बात है कि आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। हाँ, आप सुबह जुड़िए हमारे साथ 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, दैट्स इट, और उतना ही काफ़ी है। अगर आप उतना पर डे देख रहे हो तो आपके लिए अलग से मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमें देखेंगे कि आपको डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाहे नेशनल अफेयर्स हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, या फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि इकोनॉमी हो, बिजनेस हो, बैंकिंग हो, या फिर जो डेज एंड डेट्स हो, या अपॉइंटमेंट्स, रिजिग्नेशन हो, वो सब के सब आपके यहाँ पर डील किए जाते हैं, सारे के सारे आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जुड़िए हमारे साथ सुबह सुबह करंट अफेयर्स के इस क्लास में, और साथ ही साथ रात के 9 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। किस चीज़ के लिए? तो भाई वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन की क्लासेस हो रही हैं लगातार, और आप शुरू से देखेंगे सेशन 1 सेशन 2 पूरे के पूरे सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो है
क्लासेस मिलते चले जाएंगे। क्लासेस कैसे मिलते चले जाएंगे, तो क्लासेस मिलेंगे आपको सेशन वाइज, सेशन वन, सेशन टू, सेशन थ्री, सेशन फोर, सेशन फाइव, सेशन सिक्स, इस तरीके से आपको क्लासेस मिलते जाएंगे और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरुआत करी थी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से और फिलहाल हम काफी आगे आ चुके हैं। हमने अभी पूरा टाइप्स ऑफ बैंकिंग यूज कर लिया, डिस्कस कर लिया वहाँ पे, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक डिस्कस कर लिया, स्पेशलाइज्ड बैंक डिस्कस कर लिया है हमने वहाँ पर, कोऑपरेटिव बैंक डिस्कस कर लिया है हमने वहाँ पर, डेवलपमेंट बैंक डिस्कस कर लिया है। हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और हम आज बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक के आगे बढ़कर स्पेशलाइज्ड बैंक की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसके अलावा आगे ही पढ़ेंगे और वर्ल्ड लेवल पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन 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 आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आज ही जुड़िए हमारे साथ रात के 9 बजे, है ना, रात के 9 बजे वाले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़िए हमारे साथ, वहां पर देखते हैं कौन कौन से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। जो जो लोग जुड़ने वाले हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर वी आर देयर एंड वी आर कमिंग देयर इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें हैं आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले आज का कोड ऑफ द डे, आज का कोड ऑफ द डे देख लीजिए कि तुम्हारे अंदर अभी इसी वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जहां पर कि आवश्यकता है कि उसे कोई क्षमता चाहिए या कोई क्षमता की आवश्यकता है जहाँ दुनिया से लड़ना है उसे, तो यस वो हर क्षमता उस व्यक्ति के अंदर ही मौजूद होती है, वो हर क्षमता उस व्यक्ति के अंदर ही मौजूद होती है, बस आवश्यकता है उसे अपने अंदर झांकने की। क्या कह रहे हैं आपको ध्यान सुनिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को दुनिया से लड़ना है या इनफैक्ट दुनिया में अपना एक मुकाम बनाना है, हासिल करना है, मुकाम हासिल करना है, तो उसे लड़ना पड़ेगा दुनिया से और लड़ने के लिए उसके अंदर क्षमता चाहिए, वो उसके अंदर ही मौजूद होती है, बस उस क्षमता को अपने हिसाब से उसको मजबूत करने की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। तो ब्रेंट टेसी ने ये बहुत सही बातें कही हैं, तो ब्रेंट टेसी की बातें ये जो है वो अमल में लाइए, उनको ध्यान रखिए, उनको याद रखिए और साथ ही साथ बढ़िए आगे। और चलिए देखते हैं आज के इस कोड ऑफ द डे में, कोड ऑफ डे के बाद कि आज का सेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा नेशनल अफेयर्स, है ना। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा नेशनल अफेयर्स, और नेशनल अफेयर्स की बात करें तो नेशनल अफेयर्स में सबसे पहले आज का जो पहला पॉइंट है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज व्हाट द 15th फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट 2021-22 2025-26 15th एफसी लेड बाय एनके सिंह, है ना, फाइनेंस कमीशन लेड बाय एनके सिंह सबमिटेड इट्स 5-year रिपोर्ट फॉर 2021-2026 टू प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। सेंटर रिलीज रुपीज 2200 करोड़ फॉर 42 सिटीज टू इम्प्रूव देयर एयर क्वालिटी। सुनिएगा ध्यान से क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर एनके सिंह जो है, एनके सिंह फिलहाल जो है फ्रांस कमीशन जो है उसके हेड है, उसको लीड कर रहे हैं, उसके चेयरमैन है। तो एनके सिंह जी जो है उनके अध्यक्षता में जो फाइनेंस कमीशन है, जो 15वीं फाइनेंस कमीशन है, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। अगले 5 साल तक के लिए रिपोर्ट दिया यहाँ पे, और अगले 5 साल के रिपोर्ट में जो है वो रिपोर्ट जो है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट जो कि रामनाथ कोविंद जी है उनको सौंप दिया गया है, ठीक है। जो सेंटर है उसने रिलीज कर दिया 2200 करोड़ रुपए फॉर 42 सिटीज टू इम्प्रूव देयर एयर क्वालिटी। 2200 करोड़ रुपए जो है वो सेंटर ने रिलीज कर दिया है 42 सिटीज के एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आपको पता है दिल्ली जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी बुरी एयर क्वालिटी वाला शहर बन चुका है, है ना। उसमें से सबसे ज्यादा बुरी एयर क्वालिटी वाले शहरों में से एक है हमारा दिल्ली। और दिल्ली की बात करें तो उस तरीके से भारत में और भी कई सारे शहर हैं जिनकी हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, और उस कंडीशन को थोड़ा सुधारने के लिए सेंटर ने 2200 करोड़ रुपए का एक फंड जो है वो रिलीज कर दिया है, जो कि 42 सिटीज़ में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए खर्च करा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि और नवंबर 9, 2020 द 15th फाइनेंस कमीशन, है ना, लेड बाय चेयरमैन नंद किशोर सिंह, एनके सिंह जी है ना उनके, और उन्होंने सबमिट किया है कि इट्स रिपोर्ट टाइटल फाइनेंस कमीशन कोविड टाइम। फाइनेंस कमीशन जो है वो कोविड के इस सिचुएशन में कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई है, उस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम। क्या कह रहे हैं, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम फॉर 3 पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2021-2022 to 2025-2026, है ना, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का ये जो है 5 साल का प्लान लाया गया है। 2021-22 सेशन, ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर भारत में कब से कब तक का होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है वो भारत में फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, भारत में फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर वह समय होता है जब
जो इंस्टीट्यूशन है या जो कोई व्यक्ति है वो अपने पूरे धंधे का अकाउंटिंग कर रहा होता है, यानी बात करें तो एक अकाउंटिंग ईयर जब से जब तक की जो है अकाउंटिंग करी जाती है उस समय को हम फाइनेंशियल ईयर का नाम देते हैं या वित्तीय वर्ष कहते हैं, वित्तीय वर्ष या वित्त वर्ष कहा जाता है। समझ में आ रही बात? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो अप्रैल 1 से लेकर के 31 मार्च का समय है भारत की सरकार ने उसको भारत में फाइनेंशियल ईयर का दर्जा दे रखा है। तो फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2021 से 2022 का फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का जो समय है वो पहला फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा इस कमीशन 15वें फाइनेंस कमीशन के लिए। तो ध्यान दीजिएगा इस 15वें फाइनेंस कमीशन में 2021 से लेकर 22, 2021-22 का जो पहला सेशन है तब से लेकर के 2025-26 तक का जो 5वां सेशन है उस तक का यानी 5 साल का जो प्लान है वो फाइनेंस कमीशन कोविड टाइम के नाम से इसको बनाया गया है और इसको जो है सबमिट कर दिया गया है। ये रिपोर्ट हमारे देश के हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके पास सौंप दिया गया है, उनको सबमिट कर दिया गया है ये रिपोर्ट। ठीक है, टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। द कवर ऑफ द रिपोर्ट हैज अ फिगर ऑफ स्केल्स इंडिकेटिंग द बैलेंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन। यहाँ पे जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर में स्केल यानी तराजू बनाया गया है। तराजू सुना है, जानते हो आप, वे मशीन जो वेट करने के लिए हम पहले स्केल यानी तराजू का उपयोग करते थे पुराने समय में, वो वाला तराजू बनाया गया है और उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो इंडिकेट करता है कि स्टेट और सेंटर यानी स्टेट और यूनियन के बीच में किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए। तो उसके एक पलड़े पर क्या है, एक पलड़े पर उसका स्टेट है और दूसरे पलड़े पर यूनियन है, यानी यूनियन और स्टेट का जो बैलेंस है यानी उनका जो म्यूचुअल जो कॉन्सेप्शन कॉन्सेप्शन है वो हमेशा बना रहे और म्यूचुअल बैलेंस जो है वो काफ़ी सटीक रहे। तो म्यूचुअल बैलेंस के लिए वो काम करा गया है और बेसिकली बात करें तो बैलेंस बनाए रखने के लिए बात किया गया है। बैलेंस किसके किसके बीच में, तो बैलेंस बनाया गया है किसके किसके बीच में, तो पहला है यहाँ पे स्टेट और दूसरा है सेंटर। तो स्टेट और सेंटर के बीच में जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए ये वाला काम, ये वाला जो पिक्चर है वो डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या और चीज़ें हैं इनके बारे में बताई जा रही हैं। तो इनके बारे में कुछ और बताई जाए यहाँ पे, तो वो बेसिकली यहाँ पे हम स्टैटिक वाले पोर्शन की बात कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए यहाँ पे कि ग्रेटर मुंबई रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन फॉर ₹2,244 करोड़। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, इसको बताने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसको जो है सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा जो एलोकेट किया गया है अमाउंट वो कहाँ किया गया है, तो वो ग्रेटर मुंबई को किया गया है महाराष्ट्र में। ग्रेटर मुंबई का मतलब है मुंबई के बाहर का आउटस्कर्ट्स यानी उसके आसपास का इलाका, जहां पर कि जो मुंबई के जैसे ही अब लोग रहने लगे हैं जैसे नवी मुंबई या खारघर जैसी जगह जो है वो सारी की सारी जो है वो क्या है, वो सारी की सारी ग्रेटर मुंबई का हिस्सा मानी जाती है। और ग्रेटर मुंबई में क्या है, आज पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो सबसे ज़्यादा उनको दिया गया है एलोकेशन 244 करोड़ रुपये का, है ना, 244 करोड़ रुपए का एलोकेट किया गया है फंड। कहाँ पे एलोकेट किया गया है, मुंबई। मुंबई कौन सी मुंबई, तो ग्रेटर मुंबई को किया गया है, याद रखिएगा ग्रेटर मुंबई, है ना। तो ग्रेटर मुंबई मतलब मुंबई के आउटस्कर्ट्स की बात करी गई यहाँ पे, और वहाँ पे देखा गया है कि भाई आज जो है पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी गिर चुका है, तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाने के लिए क्या कहा गया है, 244 करोड़ रुपए खर्च किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पर, ग्रेटर मुंबई के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ और बातें बताते हैं आपको कि द 15th फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नवंबर 27। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना, 15th फाइनेंस कमीशन, इसे कब बनाया गया, इसे कब कंस्टिट्यूट किया गया था, तो दिस 15th फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 27, 27 नवंबर, है ना, 27 नवंबर, कब से कब तक, 2017 में, है ना, 27 नवंबर 2017, 17 से लेकर के कब तक चलेगा भाई, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, 21 से 22, है ना। तो 17 से लेकर के 22 तक का 5 साल कार्यकाल है इस पूरे 15वें फाइनेंस कमीशन का। तो याद रखिएगा कब इसे बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 27 नवंबर 2017 में, है ना। और ये क्लॉज 1 आर्टिकल 280, है ना, कहाँ बनाया जाता है, किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 280 के क्लॉज 1 के तहत जो है इसे बनाया गया है ना, आर्टिकल 280 क्लॉज 1 के तहत इसे बनाया गया है, जो मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1951 के तहत काम करता है ना, कंस्टिट्यूशन एंड फाइनेंस कमीशन मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1951 के तहत काम करता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है ये सब चीजें आपको जो है
काफी क्लियर हो चुकी होंगी, काफी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले अगला टॉपिक क्या है हमारा आज का। वो टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एम्स फॉर अप्रैल 2021 इंप्लीमेंटेशन। कह रहे हैं क्या, लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट रूल्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एम्स फॉर अप्रैल 2021 इंप्लीमेंटेशन, कि 2021 में इंप्लीमेंटेशन होना है। लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाई कर दिया है, नया रूल्स बना दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, और वो कहा है कि अब इसको जो है इसका एम रखा गया है कि 2021 में इसे इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बातें कही जा रही हैं। इन सितंबर 2020 द पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द थ्री लेबर कोड्स, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो बेसिकली बात करें तो सितंबर 2020 में पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है तीन लेबर कोड्स, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसके ऊपर बात करी गई है, तो इन सब को अब जो है 2021 में इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, 2021 में इंप्लीमेंट करने की भी बात हो रही है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि द इंडस्ट्रियल रिलेशन सेंट्रल रूल्स 2020 विल रिप्लेस द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल प्रोसीडर रूल्स 1949। क्या कह रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सेंट्रल रूल्स 2020 है वो अब क्या करेगी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल प्रोसीडर रूल्स 1949 को रिप्लेस कर देगी, और द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेंट्रल प्रोसीडर रूल्स 1954 जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रूल्स को जो है वो रिप्लेस कर देगी, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल रूल्स 1946 को भी ये रिप्लेस कर देगी, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, इससे क्या होगा काफ़ी चीज़ें आपको याद रहेंगी, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको कम से कम समय देना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और स्पेशली आपको पता होगा कि आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको करंट अफेयर्स से रूबरू होना पड़ेगा पर डे। आप एक दिन में बैठ करके पूरे 6 महीने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। इनफैक्ट आप 3 महीने का भी चाहेंगे कि 3 महीने का पूरा करंट अफेयर्स एक दिन में कवर कर ले, तो यस इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट फिजिबल। तो आप चीज़ों को ध्यान में रखिए और चीज़ें हमेशा हर दिन थोड़ा थोड़ा कवर करते चलिए, इससे क्या होगा आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान बनी रहेंगी और आप जो है आसानी से वहाँ पे उनके लिए कार्य कर पाएंगे, यानी उनको अपने हिसाब से जो है अब आप उपयोग कर पाएंगे, उपभोग कर पाएंगे। भाई सिंपल सा मुद्दा है ना। तो अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको बनाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसके इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर कौन है फिलहाल, संतोष कुमार गंगवार। कौन है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है, संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। और हेडक्वार्टर तो यस यस यू ऑल नो इट इज न्यू दिल्ली, यस एज ऑलवेज न्यू दिल्ली। चलिए लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड, देखते हैं आगे चीजें क्या है। गवर्नमेंट लुक्स टू सेट अप 14 मोर वाटर एरोड्रोम्स सी प्लेन सर्विसेज। क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है सेटअप करने के लिए 14 मोर सी वाटर एरोड्रोम्स फॉर सी प्लेन सर्विसेज, है ना। सी प्लेन सर्विसेज के लिए 14 और एरोड्रोम्स और सी प्लेन सर्विसेज के लिए बनाए जाने हैं अंडर आरसीएस उड़ान स्कीम, आरसीएस उड़ान स्कीम, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इनके बारे में बताया जा रहा है कि भाई द डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स DGLL अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज यूटिलाइज द डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसने क्या किया है, अब डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग कर लिया, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अ सिस्टम टू प्रोवाइड द प्रोविजन कनेक्शन ऑफ GPS सिग्नल टू मार्क द रनवे इन द शैलो वाटर ऑफ गुजरात। गुजरात के शैलो वाटर्स में जो रनवे है उनको मार्क करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इन्होंने अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी अच्छा है, फॉर द ऑपरेशन ड्यूरिंग द नाइट दिस प्रोविजन हैज बीन मेड ओवर द नेविगेशन बुयोज फॉर फिक्सिंग द ऑटोमेटेड नेविगेशन लाइट्स। क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिक नेविगेशन लाइट्स लगा देने के बाद अब क्या होगा कि ऑपरेशन नाइट में भी आसान हो जाएगा, और नाइट में भी क्या है स्पाइस जेट जैसे जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं सी प्लेन्स हैं वो सब अब मालदीव से आकर के आप लैंड कर सकती हैं, और इनफैक्ट फ्रॉम मालदीव एंड मोर सी प्लेन्स लाइक दिस विल बी हायर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सर्विसेज, और सर्विसेज ऐसी होंगी कमेंस तो यहाँ पे इस तरह की और भी प्लेन्स को लाया जाएगा, और वो सारे प्लेन्स यहाँ पर बेसिकली जो है नागरिक सेवा के लिए यहाँ पे यूज किए जाएंगे। आपको पता है कि भारत में जो
प्लान चल रहा है, वो प्लान कौन सा है? तो भाई उसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और इसके लिए आज एरोड्रोम्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। बेसिकली एरोड्रोम्स जो हैं वो इस तरह के जहाज होते हैं जो कि पानी में उतर सकते हैं, यानी पानी में इनको उतारा जाता है और उनका जो रनवे होता है वो पानी में ही होता है। शैलो वाटर्स, बेसिकली सी का जो शैलो वाटर्स होता है वो इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जो शैलो वाटर्स का समझते हो आप, सबसे किनारे का हिस्सा जहाँ पे पानी कम होता है, और वहाँ पे आराम से धीरे से प्लेन जो है लैंड करके धीरे से उसके जमीन पर साइड में आ सकता है। दैट इज नोन एज सी प्लेन, और वो जो वाटर है साइड का उसको शैलो वाटर कहा जाता है। तो शैलो वाटर में जो है वहां से भी अब जो है उड़े देश का आम नागरिक तहत आम नागरिक को उड़ाने की बात हो रही है, यानी उड़ान स्कीम को एविएशन सिविल एविएशन स्कीम जो है उड़ान, उसके तहत ये काम किया जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उसको इसको जो है एडमिनिस्टर कर रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फिलहाल ये कौन देख रहा है? तो उड़ान स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, है ना, या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और हाँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, है ना। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो भी इसको साथ में इसके द्वारा ही इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन कौन है भाई? तो इसके चेयरमैन है अरविंद सिंह जी, है ना। कौन है? अरविंद सिंह जी, है ना। और साथ ही साथ बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इज एट न्यू दिल्ली। ठीक है, एज वी ऑल नो ये सब चीजें तो हमें मालूम ही है पहले से। चलिए देखते हैं, 8,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पार्क जो बना दिया गया है, लाइट अप टू लाइट अप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज इन राजस्थान। राजस्थान में जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उस बॉर्डर पे अब जो है बिजली की कमी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे एनटीपीसी ने 8,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना दिया है। यानी लाइट लाइट्स की कमी हो रही थी भाई, यहाँ पर क्या है जो बिजली की आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए जो बॉर्डर एरियाज है राजस्थान में, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया जिनको कि हम एलओसी कहते हैं, तो एलओसी का जो रीजन राजस्थान में पड़ता है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, वो वाला रीजन जो है अब वहां भी बिजली की कमी नहीं होगी और वहां भी अब 8,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एनटीपीसी ने एस्टैब्लिश कर दिया है। किसने एस्टैब्लिश किया है? एनटीपीसी ने एस्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट साइंस एमओयू विथ एनटीपीसी। राजस्थान गवर्नमेंट ने एमओयू साइन कर दिया है एनटीपीसी के साथ, एसईसीआई टू सेटअप 8,000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क टू एलिमिनेट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बिजली की व्यवस्था करने के लिए ये वाला काम किया गया है। और बात करें तो यहाँ पे राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड RRECL जो है उसने इसके लिए काम किया है और उसने एक सेपरेट एमओयू साइन किया है एनटीपीसी और सेसी के साथ। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और सेसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के साथ मिलकर के इन लोगों ने क्या किया है, टू मेटरलाइज द मेगा पावर पार्क प्रोजेक्ट टू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें सपोर्ट करने के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ने यानी RRECL ने एनटीपीसी और सेसी के साथ अब क्या किया, एक एमओयू साइन कर लिया है। और ये एमओयू एक काफी इंपॉर्टेंट है और इस एमओयू के तहत आपको पता है एलओसी का इलाका सीज फायर को तोड़ने के लिए जाना जाता है और यहाँ पे पाकिस्तान तरफ से हमेशा फायरिंग होता रहता है और साथ ही साथ यहाँ पर आतंकवादी घुसपैठ की भी चर्चाएं होती रहती हैं। तो अंधेरे में पहले वहाँ पे जो है काम करना काफी मुश्किल हुआ करता था, अब कुछ लाइट उपलब्ध है लेकिन वहाँ पूरी तरह से लाइटिंग की व्यवस्था अभी भी नहीं हो पाई है, जिसके लिए अब राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड RRECL ने सेपरेट एमओयू साइन किया है। किसके लिए? तो एनटीपीसी और सेसी के साथ, ताकि वहाँ पे मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है उसको मेटरलाइज किया सके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस अभिन्न स्कीम को जो है वहां पे लॉन्च करा सके, वहां पे भी लोगों को जो है सुविधाएं मिल सके। राजस्थान शेयर्स ओवर 1,000 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। आपको पता होगा राजस्थान 1,000 किलोमीटर से ज्यादा
लंबा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। यस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये वाला। हालांकि पाकिस्तान जो है वो राजस्थान में थोड़ा कम ही घुसपैठ करता है, जबकि वो जो है सबसे ज़्यादा घुसपैठ कहाँ करता है, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में करता है। तो राजस्थान शेयर्स ओवर 1000 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लगभग 1000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान, और साथ ही साथ विच इज सप्लाइड पावर थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स। और अब तक वहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड से ही पावर सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब क्या है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स लग जाए तो अब वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी, और जो है मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो काफ़ी सुविधा दे देगा लोगों को वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो है वहाँ पे अब जो है वहाँ के सारे इलाके रोशन हो सकेंगे। एट प्रेजेंट एन एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ INR 40 करोड़ है ना, इंडियन नेशनल रुपीज़ 40 करोड़ का जो है वो वहाँ पर शुरुआत में एक्सपेंडिचर जो है किया जाएगा, खर्च किया जाएगा टू इनकर फॉर सप्लाइंग पावर, पावर सप्लाई करने के लिए टू द बॉर्डर थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स है ना। और सॉरी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 40 करोड़ रुपये जो है वो अभी खर्च किए जा रहे हैं वहाँ पे पावर्स को सप्लाई करने के लिए बॉर्डर एरियाज में। और साथ ही साथ बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर टू 1/3 ऑफ द पेरेंट कॉस्ट। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना वो क्या करेगा, सहयोग कर देगा रिड्यूस करने में एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर लग रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी से घट करके 1/3 रह जाए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 40 करोड़ रुपये लग रहे हैं तो 40 करोड़ रुपये का आधा भी नहीं बल्कि 1/3 हो जाएगा है ना, बल्कि 1/3 हो जाएगा, लगभग लगभग 13 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, बात करें, आगे चलते हैं, आगे देख लें इसके बारे में कुछ और, थोड़ा सा बता दें आपको, राजस्थान की बात हुई ना तो राजस्थान के बारे में बताते हैं आपको थोड़ा सा। राजस्थान, राजस्थान में जो सबसे फेमस फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में सबसे फेमस फेस्टिवल्स हैं वो हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स। कौन कौन से हैं, तो कैमल फेस्टिवल यहाँ पे काफ़ी फेमस है, कैमल फेस्टिवल, यस, बहुत दूर दूर से, इनफैक्ट विदेशों से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, कैमल फेस्टिवल। दूसरा है काइट फेस्टिवल, तीसरा है ब्रज होली, और इसके अलावा चौथा है पुष्कर फेयर। यस, पुष्कर फेयर। फोक डांस की बात करें तो फोक डांस में क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे, तो यहाँ का फोक डांस है घूमर, कलबेलिया, भावाई, चारी और कठपुतली। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इनमें से पूछा जाता है कई बार है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा कौन कौन से हैं, घूमर, दूसरा है कलबेलिया, तीसरा है भावाई, चौथा है चारी और पांचवा है कठपुतली, KATHPUTLI, कठपुतली। ये जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट डांसेस, डांस फॉर्म्स है यहाँ के, इन सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड, और देखते कुछ एक और चीजें। गोरखपुर, गोरखपुर नाम सुना आपने, गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर भाई, कंस्टिट्यूएंसी है वहां के, जो चीफ मिनिस्टर है कौन है भाई, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी है ना, उनका जो कंस्टिट्यूएंसी है वो गोरखपुर ही है। तो गोरखपुर टू होस्ट द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इन फरवरी, गोरखपुर जो है वो होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, कब, फरवरी में, फरवरी 2021 में। यूपी इज गोरखपुर इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इन फरवरी 2021, ठीक है। ऑन 9 नवंबर 2020 दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट अनाउंस दैट द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एट उत्तर प्रदेश इन फरवरी 2021, फरवरी 2021 में जो है, जो गोरखपुर जगह है उत्तर प्रदेश में, जो कंस्टिट्यूएंसी है हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, उस वहाँ पे क्या किया जाएगा कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा, और इसकी घोषणा किसने की है, इसकी घोषणा करी गई है वहाँ के इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट दारा सिंह चौहान जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक दो चीज़ें यहाँ बता दें आपको, शाहिद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क एंड रामगढ़ लेक
वर डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट नोटिफाइड वेटलैंड ऑफ द स्टेट। अच्छा यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की बात की गई, तो उत्तर प्रदेश में दो जगह हैं, पहला है शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क एंड रामगढ़ लेक, इन दोनों को वेटलैंड घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश के पहले घोषित, सबसे पहले घोषित वेटलैंड्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, लखनऊ जो है वो यहाँ का कैपिटल है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे उनकी कंस्टिट्यूएंसी है चीफ मिनिस्टर साहब की वो है गोरखपुर, और गवर्नर जो है यहाँ पे वो कौन है फिलहाल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन मफत भाई पटेल। चलिए बहुत सारी बातें हमने बताई, अब चलते हैं अगले अपने पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या कहता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अनवेल्ड सैट मिसाइल मॉडल इन न्यू दिल्ली। क्या कह रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनवेल्ड सैट मिसाइल मॉडल इन डीआरडीओ भवन नई दिल्ली। नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अनवील कर दिया है ए सैट मिसाइल इन डीआरडीओ भवन में, ठीक है। चलिए बताते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। कि 9 नवंबर 2020 अ मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट ए सैट मिसाइल इंस्टॉल्ड इनसाइड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के भवन में, डीआरडीओ भवन में ही अब एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है डीआरडीओ के द्वारा, तो डीआरडीओ भवन में ही नई दिल्ली में, और इसका जो अनावरण किया गया है, अनवेलिंग किया गया है वो किसने किया है, तो अनावरण किया है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, है ना, किसने किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, राजनाथ सिंह जी ने अब एक बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा राजनाथ सिंह जी की बात करें तो ये लखनऊ से ही हैं, और इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है वो लखनऊ ही है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे कौन है, श्रीपद यशो नायक हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए सेंट्रल में। चलिए एमएनआरई की बात कर लेते हैं, एमएनआरई स्केल्स अप पीएम कुसुम स्कीम गोल टू 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2021। क्या कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से, कि 9 नवंबर 2020 को कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, एमएनआरई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इश्यूड एन ऑर्डर फॉर स्केल अप एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम। इट हैज सेट अ टारगेट ऑफ एनहांस सोलर कैपेसिटी ऑफ 30.8 गीगावाट बाय 2022, है ना, बाय 2022 विद रिवाइज सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ INR 34,035 करोड़। क्या कह रहे हैं कि 34,035 करोड़ जो है 34,035 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। चलिए माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स केरला, अच्छा मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है एमएनआरई के लिए, तो एमएनआरई के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फिलहाल वो है राजकुमार सिंह जी, याद रखिएगा उस नाम को, राजकुमार सिंह जी, ठीक है। चलिए इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स 2019 रिलीज बाय इंडिया माइग्रेशन नाउ केरला टॉप किया है माइग्रेशन के इस इंडेक्स में। सुनिएगा ध्यान से क्या कहते हैं इनके बारे में, इनके बारे में कहा जा रहा है, हेलो श्रद्धा, यस चलिए, केरला 57, गोवा 51, राजस्थान 51 आर द ओनली थ्री स्टेट्स टू स्कोर ओवर 50 इन द इंडेक्स फर्दर इन दिस स्टेट दिस थ्री। केरला लीड्स ऑन थ्री इंडिकेटर्स, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन। क्या कह रहे हैं, केरला 57, गोवा 51, राजस्थान 51 आर द ओनली थ्री स्टेट्स टू स्कोर ओवर 50 इन द इंडेक्स फर्दर इन दिस थ्री। केरला लीड्स ऑन द थ्री इंडिकेटर्स, चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन। क्या कह रहे हैं, ये द मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रिसर्च नॉन प्रॉफिट इंडिया माइग्रेशन नाउ हैज रिलीज्ड इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स 2019 स्टेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। इन अकॉर्डेंस टू दिस द स्टेट्स ऑफ केरला, गोवा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट वर्कर्स। इंडियाज एवरेज
इंडियाज एवरेज आई एम पी एक्स 2019 स्कोर फॉर 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली इज 37 आउट ऑफ 100। क्या कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। नोटेबली द सेवन स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड केरला अट्रैक्ट 51% ऑफ इंडियाज इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। अकॉर्डिंग टू एन आई एम एन एनालिसिस ऑफ सेंसस 2011 डेटा ओनली टू ऑफ दीज स्टेट्स केरला एंड महाराष्ट्र फिशर इन द टॉप 10 ऑन आईएमपैक्स। द इंडेक्स विल हेल्प ब्यूरोक्रेट्स एंड स्टेक होल्डर्स इन इवॉल्विंग पॉलिसी फॉर इंडियाज 455 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। दिस फिगर इज फ्रॉम सेंसस 2011। ठीक है, हमने यहाँ पे किसकी बात की, आई एम पी ई एक्स इम्पेक्स की बात की ना। इम्पेक्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स, इंटर नेशनल माइग्रेंट इंटरनेशनल माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स, इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स। ठीक है, ये इंपैक्ट्स। चलिए ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज सर्वे ऑफ द एंटायर मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा 49% ऑफ रिवर हैज हाई बायोडाइवर्सिटी। क्या कह रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने सर्वे किया है और कहा है कि आज भी गंगा में 49% जो गंगा रिवर है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे में बताया गया है कि ये क्या है, ये आज भी हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है, यहाँ पे आज भी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे ये जो फोटो ली गई है ये पिक कोलकाता की है, कोलकाता में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो फोटो ली गई है ये कोलकाता की है और कोलकाता में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि जब गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो ईस्ट में जाने से पहले ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक सीधा आगे चली जाती है और जाकर के बांग्लादेश को एंटर कर जाती है जहाँ पे वो पद्मा कहलाती है ना, क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है, और ये जो इधर से डायरेक्टली हमारे कलकत्ता होके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है उसे हम हुगली का नाम देते हैं, हुगली। ठीक है, हुगली रिवर कहलाती है, हुगली इज द मेजर रिवर इन वेस्ट बंगाल, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर में से एक है हुगली। ठीक है, चलिए आपको पता होगा इन सिंस ब्रिटिश पीरियड हुगली जो है उसको इस तरीके से डेवलप करा गया है कि जो शिप्स हैं वो सीधा सीधा हुगली के रास्ते ही समुद्र से घुस करके पूरे शहर तक आ सके, है ना। चलिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन द सेकेंड फेज ऑफ सर्वे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है उसने अपना सेकेंड फेज ऑफ सर्वे में बताया है कि इंटायर मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा रिवर मेन रिवर विदाउट इट्स ट्रिब्यूटरीज फाउंड दैट 49% ऑफ द रिवर हैज हाई बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी साइटिंग्स। साइंटिस्ट हैव स्टेटेड दैट दिस इंडिकेटेड रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन लेवल्स एंड हेल्दी स्टेट ऑफ द रिवर। इससे क्या पता चल रहा है कि 49% जो बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है उससे क्या पता चल रहा है कि भारत में जो रिवर है, जो गंगा रिवर है, उसका पॉल्यूशन लेवल घट गया है और धीरे धीरे स्टेट जो है वो थोड़ा सा हेल्दियर होता जा रहा है गंगा रिवर का। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको यहाँ पे कि इसमें जो काम किया गया है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे एफर्ट लगाया है गंगा रिवर को साफ करने में, वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का लगा है और फर्स्ट एवर स्टडी ने कहा है कि गंगा जो है वो अब 49% से ज्यादा जो है रिजुवेनेट हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसा जो सर्वे हुआ है पूरे गंगा के ऊपर में वो भारत में पहली बार हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, नमामि गंगा योजना, तो उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल है राजीव रंजन मिश्रा, और साथ ही साथ और कौन है, तो राजीव रंजन मिश्रा के साथ हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए बहुत अच्छी बात, हमने बहुत सारी बातें बताई। यहाँ पे देखिएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात हमने की है ना, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता दें आपको
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, चेयरमैन है, यस चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है आरपी गुप्ता, आर पी गुप्ता। और साथ ही साथ जो लोकेशन है, लोकेशन है वो लोकेशन कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड यूके में है ना। चलिए यूके मतलब लंदन मत समझ लीजिएगा, वो यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, यहाँ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। वर्जिन हाइपर लूप कंप्लीट्स फर्स्ट एवर ह्यूमन ट्रायल इन हाइपर लूप पॉड। क्या कह रहे हैं अगला जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि वर्जिन हाइपर लूप कंप्लीट्स फर्स्ट एवर ह्यूमन ट्रायल इन हाइपर लूप पॉड इन यूएस। कि वर्जिन हाइपर लूप सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट एवर ह्यूमन ट्रायल इन द हाइपर लूप पॉड एट द 500 मीटर डेव लूप टेस्ट फैसिलिटी इन लॉस वेगास यूनाइटेड स्टेट्स ऑन नवंबर 8, 2020। जॉश जिजल को फाउंडर एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर वर्जिन हाइपर लूप एंड सारा लुशियन डायरेक्टर पैसेंजर एक्सपीरियंस ऑफ वर्जिन हाइपर लूप वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू राइड ऑन हाइपर लूप। कौन कौन से लोगों ने इस पर राइड किया है, तो इसके ओनर जो इन्होंने इनको बनाया है उन्होंने खुद ही इस पर राइड किया सबसे पहले वर्जिन हाइपर लूप पे ह्यूमन ट्रायल में, जोस जिजल एंड सारा लुचिन इन दोनों ने मिलकर के इसको जो है ट्रायल किया है इसका, और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, पहले लोग बन गए हैं। ठीक है, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टर पैसेंजर एक्सपीरियंस ऑफ वर्जिन हाइपर लूप वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू राइड ऑन हाइपर लूप। दे ट्रैवल 500 मीटर्स इन 15 सेकेंड्स इन न्यूली अनवील्ड एक्सपी टू व्हीकल। ये एक्सपी टू व्हीकल जो है इसमें इन्होंने 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर जो है कवर किया है मात्र 15 सेकेंड में, और रीचिंग 107 mph 172 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने 172 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 172 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वो 15 सेकेंड में क्या किया है, ट्रेवल कर लिया है इस हाइपर लूप के जरिए। ठीक है, इस हाइपर लूप के जरिए जो है 172 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इन्होंने 15 सेकेंड में आधा किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना लेवल। चलिए देखते हैं, द टेस्टिंग कैंपेन विल कंटिन्यू विद पुणे नेटिव एंड वर्जिन हाइपर लूप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलिस्ट तनय मजरेकर टू राइड नेक्स्ट हाइपर लूप। अब जो टेस्टिंग है ये पुणे के रहने वाले तनय मजरेकर के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, और यही जो व्यक्ति हैं ये पुणे के नेटिव हैं और वर्जिन हाइपर लूप को बनाने में इनका एक जबरदस्त सहयोग रहा है। चलिए इंटरसर्फेस की बात कर ले। यूकेज लॉर्ड गैरी ग्रिमस्टोन लॉन्च्ड यूके आईबीसी इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 महाराष्ट्र शोड मैक्स इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। क्या कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से, कि द सिक्स्थ एडिशन ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल्स डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 टाइटल डूइंग बिजनेस इन इंडिया द यूके पर्सपेक्टिव वॉज वर्चुअली लॉन्च बाई द यूके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर लॉर्ड गैरी ग्रिमस्टोन टू अ राउंड टेबल विथ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ड्यूरिंग दिस वर्चुअल विजिट टू इंडिया। ठीक है, साथ ही बात करें तो फ्रांस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी ने इन्होंने अटेंड किया है पहला ब्रिक्स फ्रांस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। ठीक है, चलिए देख लीजिए कि द इंडियन साइड एज सपोर्टेड एक्सपेंशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ एनडीबी इंडिया ऑल्सो लेड एम्फेसिस ऑन कंसेंसस सॉल्यूशन दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इंश्योरिंग फेयरनेस क्वालिटी इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ टैक्स सिस्टम्स। ठीक है, इंडिया साइड अप्रिशिएटेड द G20 एक्शन प्लान इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एंड द G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव विच इंश्योर्ड इमीडिएट सपोर्ट टू एड्रेस द लिक्विडिटी नीड्स ऑफ लो इनकम कंट्रीज। क्या कह रहे हैं, लो इनकम कंट्रीज में जो भी G20 एक्शन प्लान है उसका रिस्पॉन्स कोविड-19 और G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव विच इंश्योर्ड इमीडिएट सपोर्ट टू एड्रेस द लिक्विडिटी नीड्स टू लो इनकम कंट्रीज। अच्छा, इट शुड बी नोटेड दैट ऑल ब्रिक्स कंट्रीज आर मेंबर्स। इसमें जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो सारे के सारे क्या है, मेंबर्स हैं। चलिए बैंकिंग फाइनेंस की बात कर ले। यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस में क्या देख रहे हैं, कर्नाटका बैंक लिमिटेड लॉन्चेस नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड। क्या कह रहे हैं, कर्नाटका बैंक लॉन्चेस इट्स फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस रुपए डेबिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड कहा जा रहा है इसको, है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे हमने ना कर्नाटका बैंक ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है इन्होंने फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है विद द टैगलाइन ऑफ वन नेशन वन कार्ड इन अहमदाबाद गुजरात।
कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में, जिसका नाम है वन नेशन वन कार्ड। इट इज़ एन इंटर ऑपरेटेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड कंसिड बाई महुआ, है ना। ये इंटर ऑपरेटेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है जो कि यूज़ किया जा सकता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। द कार्ड इज इनेबल्ड थ्रू द रुपे कार्ड मैकेनिज्म, रुपे के द्वारा ही पेमेंट होता है इसके द्वारा इस पे। द कार्ड कैन बी इशूड एज अ प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट रुपे कार्ड फ्रॉम पार्टनर बैंक सच एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर्स। जो भी बैंक हैं, जो भी यहाँ पे इसके पार्टनर बैंक हैं, वो यहाँ से इसे लॉन्च कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अभी हम फिलहाल बताने वाले थे आपको कर्नाटका बैंक के बारे में, ये तो हमने बताया ही बताया। साथ साथ कर्नाटका बैंक ने भी लॉन्च किया है। कर्नाटका बैंक ने क्या लॉन्च किया है, तो इन्होंने रुपए डेबिट कार्ड के तहत भी यही वाला काम, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है। ये बेसिकली इसी का हिस्सा है जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम किया जा रहा है। मतलब हमने बताया जैसे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और अदर्स की बात की, तो उसमें अदर्स में क्या है, कर्नाटका बैंक भी सम्मिलित है, और कर्नाटका बैंक ने इसको सबसे पहले लॉन्च करा हुआ है। बात कर रहे हैं तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड है ना, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, कर्नाटका बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु में, है ना, मैंगलोर, मंगलुरु या मैंगलोर में, कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो उसके एमडी और सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ है इसके महाबलेश्वर एमएस, महाबलेश्वर एमएस, ठीक है। और एक कब बना था? 1924 में, 18 फरवरी 1924 में। साथ ही साथ बात करें तो टैगलाइन, यस टैगलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके आगे देखें, एडेलुस टोक्यो लाइफ लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड एंडल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कोविड शील्ड प्लस। एडेलवेस टोक्यो जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च कर दिया कोविड शील्ड प्लस। कोविड शील्ड प्लस इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। कोविड शील्ड प्लस स्टैब्लिशेस अ न्यू नाइस प्रोडक्ट इन कैटेगरी फॉर द इंडस्ट्री दैट मीट्स टू इंक्रीज प्रोटेक्शन नीड्स ऑफ द पीपल दैट राइजेस ड्यू टू पैंडमिक। पैंडमिक में ये सिचुएशन जो है उसको डील करने के लिए कोविड शील्ड प्लस जो है एक बहुत ही नया प्रोडक्ट है, और ये अपने सेक्टर में सबसे नया है, यानी सबसे ज़्यादा अलग है, ठीक है। ये अपने क्षेत्र में ये सब अपने तरह का पहला प्रोडक्ट है। द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट रिक्वायर्स नो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट डिसीजनिंग टू द पॉलिसी एप्लीकेंट, ठीक है। चलिए अब इकॉनमी की बात कर ले, बहुत बढ़िया। इकॉनमी की बात करनी है तो मोबीक्विक ने पार्टनर कर लिया किसके साथ? तो मोबीक्विक पार्टनर्स एमएक्स, एमएक्स और मोबीक्विक ने एक पार्टनरशिप कर ली है। मोबीक्विक पार्टनर्स एमएक्स लॉन्च द फर्स्ट कार्ड मोबीक्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, अ डिजिटल प्रीपेड कार्ड। ये डिजिटल प्रीपेड कार्ड है और इसको एमएक्स के साथ मिलकर के मोबीक्विक ने लॉन्च किया हुआ है। मोबीक्विक विच हैज़ मोर देन 120 मिलियन यूजर्स ऑफ इट्स वॉलेट्स, मोबीक्विक के 120 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं इसके वॉलेट के, और उसने एम किया है टू यू इश्यू मोबीक्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। इसका जो है ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो है वो लॉन्च कर दिया है इन्होंने, और एटलीस्ट 1 मिलियन यूजर्स ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, और 1 साल के अंदर में इन्होंने कम से कम 1 मिलियन लोगों को ये वाला कार्ड देने का बात किया है, उनको देने की का जो लक्ष्य रखा है। द कार्ड इज अ डिजिटल ओनली प्रीपेड कार्ड दैट कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ मोबीक्विक ऐप। ये जो कार्ड है ये डिजिटल ही रहेगा और ये मोबीक्विक ऐप पे ही काम करेगा, और ऐप के थ्रू ही इसका पेमेंट किया जा सकता है। साथ ही बात करें तो इट इंक्रीजेज द प्रेजेंस ऑफ मोबीक्विक दैट अलाउज यूजर्स टू पे एट ऑल एमएक्स मर्चेंट्स। एमएक्स मर्चेंट जो है वो सब के सब एमएक्स मर्चेंट्स पे आसानी से पे करने के लिए ये वाला जो फीचर है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा मोबीक्विक का, इंक्लूडिंग टॉप ई कॉमर्स स्टोर्स लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी एटसेट्रा, इन सब पे यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा इसका आसानी से, क्योंकि सारे के सारे जो है वो एमएक्स मर्चेंट्स हैं। दिस फर्दर मोबीक्विक्स एस्पिरेशन टू बिकम इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म, और ये डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म बनने के लिए जो सपना देखा हुआ है मोबीक्विक ने, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा उनका
एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट साबित होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे हमने मूवी की बात की थी ना, मूवी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ भारत का एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि क्रेडिट के लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर। और सीईओ एंड सॉरी को फाउंडर एंड सीईओ हैं विपिन प्रीत सिंह। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, मोबी क्विक का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके को फाउंडर एंड सीईओ कौन है? विपिन प्रीत सिंह, विपिन प्रीत सिंह। और इसके सीईओ है ना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उपासना टाकू, ठीक है। और ये दोनों इसके को फाउंडर्स भी हैं, ठीक है। और फाउंडेड 2009, ठीक है। अच्छा, अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएक्स की बात की ना, एमएक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, इसका इसके चेयरमैन जो और सीईओ, चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? स्टीफन जे स्क्वेरी, STEPHEN जे स्क्वेरी, SQUERI स्क्वेरी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में, ठीक है। तो याद रखिएगा इन चीजों को। चलिए अवार्ड्स एंड रिकग्निशन देख लेते हैं कि CSIR CDRI साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश मिश्रा, इनको मिला है डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड। कौन सा? डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड जो है इनको दिया गया है 2020 में। और ये भाई साहब नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज NAMS इंडिया, वहां पे इनको अवार्ड मिला है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज NAMS अनाउंस दैट डॉक्टर सतीश मिश्रा हैज द प्रिंसिपल, डॉक्टर सतीश मिश्रा द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CDRI लखनऊ हैज वन द डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट एंड विच इन्वॉल्व टू होस्ट एंड थ्री इन्वेसिव स्टेजेस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एक और चीज़ें, क्या कह रहे हैं कि बेस्ट स्टेट अवार्ड तमिलनाडु को मिला है फॉर वाटर मैनेजमेंट, है ना। वाटर मैनेजमेंट के लिए तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिल चुका है। तमिलनाडु हैज वन द फर्स्ट प्लेस इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2019 एंड द बेस्ट स्टेट नॉर्मल कैटेगरी फॉर द कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ वाटर। के मणिवसन PWD सेक्रेटरी विल रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक। अपॉइंटमेंट मर्जर देख लेते हैं। IRDAI सेट अप 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय आर चंद्रशेखरन टू रिविजिट द रिटेल बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग टैरिफ, है ना। चलिए ये सब बातें ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे देखिए, टू अक्वायर पोस्ट बैंक सिस्टम फ्रॉम ड्यूस बैंक, TCS जो है वो अक्वायर करेगा पोस्ट बैंक सिस्टम फ्रॉम ड्यूस बैंक। TCS टू अक्वायर 100% शेयर ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम AG फ्रॉम ड्यूश बैंक, ठीक है। कह रहे हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसने साइन कर लिया अग्रीमेंट ड्यूश बैंक AG अंडर विच TCS विल अक्वायर 100% ऑफ द शेयर ऑफ पोस्ट बैंक सिस्टम्स, है ना, फ्रॉम ड्यूश बैंक। द वैल्यू ऑफ द डील वॉज नॉट डिस्क्लोज, अभी तक वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुआ है कितने रुपए में ऐसा किया गया है। अभी चलिए देख ले, फॉर्मर इंडिया डिफेंडर सत्यजीत घोष डाइज, है ना। मोहन बगान फुटबॉल प्लेयर डिफेंडर कौन थे? सत्यजीत घोष। अब इनका जो है मृत्यु हो चुका है 62 साल की उम्र पे। सत्यजीत घोष स्टार्टेड हिज करियर विथ रेलवे फुटबॉल क्लब इन 1980, रेलवे एफसी के साथ उन्होंने 1980 में अपना करियर शुरू किया था। ही लेटर स्विच टू द मोहन बगान एथलेटिक क्लब, बाद में इन मोहन बगान एथलेटिक क्लब में आ गए थे, इंडियन प्रोफेशनल मल्टी स्पोर्ट क्लब। ये जो मल्टी स्पोर्ट क्लब है मोहन बगान बेसिकली, और वेयर ही फॉर्म द कोर ऑफ देयर बैक लाइन अलॉन्ग विद स्टार इंडियन
डिफेंडर सुब्रत भट्टाचार्य, सुब्रत भट्टाचार्य के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है अपना जोड़ी बना रखा था और खेला है काफ़ी अच्छा। ही प्लेड फॉर मोहन बगान फ्रॉम 1982 टिल 1996 एंड 1998 टिल 1993, है ना, मोहन बगान तब से उन्होंने काफ़ी गेम्स खेले हैं ये वाले। और अच्छा, हिज करियर वॉज कट शॉर्ट ऑफ मोहन बगान इन 1986 ड्यू टू हिज इंजरीज। 1986 में इनको इंजरी हो गई तो फिर बाद में इन्होंने मोहन बगान की टीम को छोड़ दिया। बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर ले तो नेपाल प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी रिलीजियस माइले बुझे को गांधी, है ना, माइले बुझे को गांधी। विद्यादेवी भंडारी रिलीजियस पिक्टोरियल एंथोलॉजी और महात्मा गांधी इन नेपालीज लैंग्वेज, टाइटल माइले बुझे को गांधी, है ना। द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम ब्रिंग्स टुगेदर द यूनिक नेपाली पर्सपेक्टिव्स ऑन महात्मा गांधी, द रिवर्ड ग्लोबल आइकन, द फॉर्म ऑफ पर्सनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 25 एमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज, ठीक है। साथ ही बात करें तो पब्लिकेशन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट दिस बुक विल ब्रिंग द नेपाली यूथ क्लोजर टू महात्मा गांधी हुज लाइफ एंड आइडियल रिमेंस टाइमलेस यूनिवर्सल रिलेवेंट टू द टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, हार्पर कॉलिंस टू पब्लिश कीवी पीएम जसिंदा बायोग्राफी, जसिंदा आर्डन लीडिंग विथ एम्पैथी, जसिंदा आर्डन लीडिंग विथ एम्पैथी नाम की जो किताब है वो हार्पर कॉलिंस जो है पब्लिश करने वाला है, ठीक है। जसिंदा आर्डन लीडिंग विथ एम्पैथी अ बायोग्राफी ऑफ न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डन विल पब्लिश इन 2021 बाय हार्पर कॉलिंस, द बुक विल बी ऑथर्ड बाय सुप्रिया वानी एंड कार्ल ए हार्ते, है ना, कार्ल ए हार्ते जो है उनके साथ सुप्रिया वानी जो है वो इसे ऑथर करने वाली है। साथ ही बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेज, यस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2020 नवंबर 10, 10 नवंबर को मनाया गया है पीस द वर्ल्ड डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो देख पा रहे हैं आप इम्पॉर्टेंट डेज में, इससे ध्यान रखिएगा कि आज जो है पूरे देश में दिवाली की शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं आज धनतेरस का दिन है तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो है वो लगाया गया है। चलिए ठीक है, ये बातें कर ली हमने। यूनाइटेड नेशंस यूएन्स वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th नवंबर। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th नवंबर टू हाईलाइट द रोल ऑफ साइंस इन सोसाइटी एंड द नीड टू एंगेज पब्लिक ऑन द डिस्कशन ऑन द इमर्जिंग साइंटिफिक इश्यूज, ठीक है। साथ ही बात करें तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए पूरे 1 घंटे तक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं कराया तो कर दीजिए जल्दी से, और साथ ही साथ आप इस बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको जो है जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। तो यूट्यूब के इस चैनल पर लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर पसंद आए तो शेयर करिए, है ना। और साथ ही साथ ये मेरा SP साहिल जो कोड है इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर, तो ये आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होगा। आप इसका यूज़ करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आप सभी लोगों का यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वापस से आज 11 बजे, अभी तो ठीक 1 घंटे बाद 11 बजे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लास में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी लोगों के लिए। बस अन अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और सर्च करिए @ साहिल राज श्रीवास्तव, है ना। अन अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए ये वाला, और बस सर्च करिए @ साहिल राज श्रीवास्तव एंड यू विल गेट द थिंग्स। और 11 बजे का जो क्लास है वहाँ पे कमर्शियल बैंक और उनके फंक्शंस की बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल ना भूलें वहाँ पे आना। आज ही मिलते हैं वापस से 1 घंटे बाद 11 बजे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बींग विद मी फॉर लास्ट 1 आवर। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।